प्यारे बच्चों, प्यारी प्यारी सुबह का प्यारा प्यारा नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने आलोक कुमार एसएन आईसी जेवल गाजीपुर से यूट्यूब चैनल पर कक्षा 10 गणित विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की टॉपिक है रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु, अर्थात उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। उस बिंदु के निर्देशांक जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली, एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को किसी दिए हुए अनुपात में विभाजित करता है। उस बिंदु के निर्देशांक, यही बिंदु P है, यह बिंदु A है, यह बिंदु B है और x2 y2। इस बिंदु A का निर्देशांक x1 y1 और B का निर्देशांक x2 y2। उस बिंदु का निर्देशांक अर्थात इस P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे हम, जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा AB को m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रही है। बस समझ गए, किसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे? P बिंदु का, जो A और B बिंदु को मिलाने वाली रेखा AB को m1 और m2 के अनुपात में बांट रही है। आज की टॉपिक है, तो इसके दो कंडीशन होते हैं, दो दशा। पहला कि जब यह P बिंदु A और B को कहीं बीच में काटती है, और एक दूसरा कंडीशन आता है कि जब यह P बिंदु यहाँ न, यानी AB को आगे बढ़ाने पर यहाँ पर काटे, ठीक है, तब भी यही आपका अनुपात m1 m2 में, यानी साथ AP और PB, अर्थात पी और पी बी, यह भी इसी रेशियो में काटते हैं। तब इस पी का निर्देशांक क्या, जब बीच में काटेगी तो इसको कहते हैं अंतः विभाजन, या बीच में तो अंतः विभाजन, विभाजन, और जब बाहर होती है तो इसको कहा जाता है बाह्य विभाजन, कहा जाता है बाह्य विभाजन। बस समझ में आई,
यह दूरी x2, सभी दूरियां मूल बिंदु से नापी जाती हैं। यहाँ से x2 और यह दूरी कितना है, y2 है, तब जाकर के इसका निर्देशांक x2। हमने यस ले लिया और इसको क्यू ले लिया, कोई आपत्ति नहीं ना? नहीं। हम इसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है हमको है। का निर्देशांक ज्ञात करना है जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ज्ञात करेंगे। आप जानते हैं यहां से देखिए, यह दो त्रिभुज ले लीजिए, इस त्रिभुज और यह त्रिभुज, अर्थात त्रिभुज एएसपी तथा त्रिभुज पीक्यूबी यह समरूप हैं। समरूप अर्थात समान रूप के, एक ही रूप के, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, अर्थात एक ही अनुपात में होते हैं। देखेंगे समरूप हैं, अतः हो जाएगा आपका यह एस अपान इस त्रिभुज का पी क्यू बराबर होगा इस त्रिभुज का पी एस और अपान इस त्रिभुज का क्या बाबू, हाँ बी क्यू बराबर ए भुजा पी अपान पी बी। तो अब आप देखिए पी ए अपान पी बी का मान कितना है, m1 m2 बराबर m1/m2। हम करेंगे क्या, एक बार इसको लेंगे और एक बार इसको लेंगे, लिया जाए, इसको ले लीजिए आप। देखिएगा ए एस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एस का मान बोलिए एक्स माइनस एक्स वन अपान पी क्यू का मान बाई एक्स टू माइनस एक्स बराबर m1/m2। क्लियर हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, त्रिक गुणा जिसको कहते हैं m2x माइनस m2x1 बराबर m1x2 माइनस m1x।
चलिए यक्ष को एक तरफ इकट्ठा कर लो, तो इस यम1 यक्ष को बुलाएंगे यम2 यक्ष के पास, तो इधर यह माइनस है, इधर आके क्या होगा जुट जाएगा। यहाँ देखिएगा ये आएगा जुटेगा यम2 यक्ष प्लस यम1 यक्ष बराबर, यह पहले से है यम1 यक्ष2, यम1 यक्ष2 और यह जाके उधर धन हो जाएगा प्लस यम2 यक्ष1। यहाँ से यक्ष कामन ले लीजिए, क्या बचा बाबू यम1 प्लस यम2 बराबर यम1 यक्ष2 प्लस यम2 यक्ष1, और यक्ष बराबर जब करेंगे तो मिल जाएगा यम1 यक्ष2 प्लस यम2 यक्ष1 अपान यम1 प्लस यम2। ये निर्देशांक है, यानी यक्ष का मान प्राप्त हुआ यहाँ से, इसी तरह से हम वाई का मान प्राप्त करेंगे तो वही पॉइंट होगा, वही निर्देशांक होगा। चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से, अब इसकी सहायता से, इन दोनों की सहायता से करेंगे, चलिए कर लीजिए। अर्थात आप करेंगे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको भी हटा दे रहा हूँ, इसकी आवश्यकता इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसको हटाइए। चलिए PS का मान रखिए, PS Y माइनस Y1 अपान BQ Y2 माइनस Y बराबर M1 बाई M2। चलिए हटाओ इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए M2Y माइनस M2Y1 बराबर, इसका इसमें M1Y2 माइनस M1Y। चलिए वाई को एक तरफ करिए भाई, बुलाइए इसको, ये आ गया M2Y प्लस M1Y बराबर, इधर M1Y2 ये चला गया उधर, प्लस होगा प्लस M2Y1 और y बराबर कामा ले लीजिए, क्या होगा M1Y2 प्लस M2Y1 अपान M1 प्लस M2। क्या मिला? मिल गया, दो पॉइंट मिला, अर्थात हम लास्ट में इस निर्णय पर पहुँचे कि जब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु दिए गए अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात एक बिंदु x1y1 दूसरा बिंदु x2y2 को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु M1 और M2 के अनुपात में काटता है, तो उस बिंदु का निर्देशांक होता है, क्या होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2 कामा, यह x की वैल्यू हुई और M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M। बात क्लियर? ध्यान दीजिए, मिल जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस y2। यह निर्देशांक किस केस में है? अंतः विभाजन वाले में। अंतः विभाजन जब होता है, विभाजन उसके लिए यह फार्मूला हो लगेगा, और जब y विभाजन के लिए, आगे हम देखते हैं y विभाजन के लिए आगे देखते हैं। चलिए भाई y विभाजन कर ही लीजिए आप, y विभाजन इसको नोट रखेंगे आप, कक्षा 10 वाले बोर्ड का एग्जाम देना है बाबू, ईमानदारी से पढ़िए। y है विभाजन, y है विभाजन, वाई विभाजन वाई रहेगा।
इसमें भी आप चलिए वही काम करिए, देखते हैं थोड़ा सा। हाँ आइए यहाँ देखते हैं y विभाजन के लिए, इसमें भी आपका यह x है, मूल बिंदु है y। हमने एक पॉइंट ले लिया a और दूसरा पॉइंट b है, इस रेखा को आगे बढ़ा दिया p तक। a का निर्देशांक x1 y1, b का x2 y2 और p का xy, और वही काम यहाँ पर भी है। यह वास्तविक विभाजन है, पी ए अपान पी बी की वैल्यू जो है m1 और m2 के अनुपात में। पीछे मैं बताया था विभाजन के बारे में, एक त्रिभुज हमने यह बना लिया, त्रिभुज ASP देखिएगा ASP, और दूसरा त्रिभुज है ए वाला BQP। यह दोनों समरूप त्रिभुज हैं, समरूप, तो वही काम, समरूप त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक होती हैं। देखिएगा यह दूरी हमने लिखा है x-x1, क्यों? क्योंकि पूरा दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, उसमें से x1 निकाल दिया गया है, तो यह दूरी बच जाएगी x-x1। और इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, यह है पूरा यहाँ से यहाँ तक y, उसमें से यह निकाल लिया गया है अर्थात y-y1 है PS की वैल्यू, और यह x-x2 है, यह क्या है पूरा x, और इसमें से x2 निकाल लिया गया x-x2, और यह दूरी कितना है पूरा y है, y में से यह निकाल लिया गया y-y2। तो आइए इसमें देखते हैं ASP में आपका AS अपान क्या होगा BQ बराबर PS अपान PQ बराबर क्या होगा भाई P अपान PB, अर्थात P अपान PB क्या है m1/m2 है। फिर वही काम करना होगा हमें, एक बार इसको और एक बार इसको साथ में लिया जाए। चलिए लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। आप ले लेंगे अभी, लिखी लो AS का मान, बोलिए AS x-x1 अपान x1 इसके साथ में लिखा रहेगा। BQ का मान BQ यह x-x2 बराबर m1/m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए m2x-m2x1 बराबर m1x-m1x2। एक तरफ कर लो बाबू x को, करिए इधर, इसको उधर भेज दीजिए, तो यह हो जाएगा m1x माइनस इधर आ गया m2x बराबर, इसको इधर बुला लीजिए, या किधर धन हो जाएगा m1x2 माइनस पहले से है m2x1, x कामा ले लीजिए, क्या बचेगा m1-m2 बटा भेज देंगे, अर्थात m1x2-m2x1 अपान m1-m2। अर्थात आप ये देखते हैं कि अंतर विभाजन में यहाँ धन था और y विभाजन में यहाँ पर क्या आ गया माइनस, थोड़ा सा अंतर है और ज़्यादा अंतर नहीं है। अब इस बार हम अभी x का निर्देशांक ज्ञात किए हैं, चलिए दूसरा निर्देशांक हम ज्ञात करना पड़ेगा आपको, इनकी वैल्यू आप रख लो PS/PQ, PS की वैल्यू PS y-y1/PQ की वैल्यू y-y2 बराबर m1/m2। क्लियर रख लो भैया। क्रॉस मल्टीप्लाई m2y-m2y1 बराबर
एम वन वाई माइनस एम वन वाई टू, एम वन वाई टू, वाई को एक तरफ करिए, इसको उधर भेज दीजिए, एम वन वाई माइनस एम टू वाई बराबर, इधर लाइए इसको, एम वन वाई टू माइनस एम टू वाई वन, और वाई बराबर क्या मिला बाबू, एम वन वाई टू माइनस एम टू वाई वन और अपान एम वन माइनस एम टू प्राप्त हो गया। अर्थात जब दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा प्राप्त होती है उसको यदि कोई बिंदु एम वन और एम टू के अनुपात में विभाजित करता है तो उस वाय का विभाजित करता है, तो वाय का विभाजन के लिए, वाय विभाजन के लिए उसका निर्देशांक हो जाएगा एम वन वाई टू माइनस एम टू वाई वन अपान एम वन माइनस एम टू कामा, यह का निर्देशांक है, और एम सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, एक्स टू होगा, यह एक्स वन होगा, ठीक है ना, यह एम वन वाई टू माइनस एम टू वाई वन अपान एम वन माइनस एम, कितना प्राप्त हो, ठीक है, अर्थात यह वायतः विभाजन के लिए माइनस हो जाता है और अंतर विभाजन में सॉरी हाँ ठीक है अंतर विभाजन में यहाँ पर क्या होता है प्लस हो जाता है, यह आ गया, ठीक है, बात समझ में आई आपको। आज आपने देख लिया इतना वायतः विभाजन अंतर विभाजन के बारे में, आगे आप देखिए टॉपिक, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी, इसका निर्देशांक यक्स वन वाई वन और इसका निर्देशांक यक्स टू वाई टू, इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसको ठीक बीचों बीच में या एक पी पॉइंट है, इसका निशान क्या है यक्स और वाई मान लिया जाता है, तो यक्स वाई का मान कितना होगा, अभी आप जानते हैं, हाँ क्या बाबू, यह अंतः विभाजन हो रहा है ना, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए बोलिए, यम वन यक्स टू प्लस यम टू यक्स वन अपान यम वन प्लस यम टू कामा एम वन वाई टू माइनस एम टू वाई वन अपान एम वन प्लस एम टू, ठीक है, तो इसमें देखिए यह अंतर विभाजन का है, लेकिन यह जो विभाजन है वो यह एम वन और एम टू के अनुपात में हो रहा है, और यह कह रहा है कि ठीक मध्य का, मध्य का मतलब यह एम होगा और यह भी एम होगा, यानी बराबर विभाजन हो रहा है इसका, जब विभाजन बराबर हो रहा है इसका, अर्थात जहाँ यम वन है वह यम टू यम वन दोनों आपस में क्या हैं बराबर हैं, इसी से यह यम वन यम टू, देखिएगा, अर्थात यम वन बराबर यम टू, और हमने इसको मान लिया कि यह हमारा किसके बराबर है यम के बराबर है, इसमें रख दीजिए मान, यम वन की जगह भी यम और यम टू की जगह भी यम रखेंगे, तो यह आपका निकल जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांक क्या मिला भाई, यम यक्स टू प्लस यम यक्स वन बटा यम प्लस यम, यम वाई टू प्लस, सर यहाँ प्लस रहेगा बाबू गलती से दिए, एम वाई वन अपान एम प्लस एम, एम एम कामन ले लीजिए और नीचे क्या होगा टू एम होगा, तो एम निकल जाएगा, यह मिल गया एम
यक्स वन प्लस यक्स टू अपान टू यम कामा यम वाई वन प्लस वाई टू अपान टू यम। यम से यम कैंसिल हो गया अर्थात मध्य बिंदु का निशांक क्या मिला, मिल गया यहाँ देखिएगा यक्स वन प्लस यक्स टू अपान टू कामा वाई वन प्लस वाई टू अपान टू, अति सुंदर। तो आपने देख लिया कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली, दो बिंदुओं को मिलाने रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, यक्स वन प्लस यक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। अर्थात यह कह सकते हैं कि यक्स वाला जो निर्देशांक होगा उनको जोड़ करके उसका आधा कर दिया जाए और वाई वाला निर्देशांक जो होगा उसको जोड़ करके आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात। ये तो अभी आपने इनके निर्देशांक का यानी मध्य बिंदु का अंतर विभाजन बाह्य विभाजन का फॉर्मूला आपने देखा। यदि हम आपसे यह कहें माइनस तीन कामा चार और तीन कामा माइनस चार, ये बिंदु दिया गया है, इनको मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए कितना होगा, अर्थात मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक, इससे जो रेखा बनेगी यही है यक्स वन वाई वन और यह है यक्स टू वाई टू, तुरंत लिख लेंगे कोई समस्या नहीं। क्या फार्मूला होता है, यक्स वन प्लस यक्स टू यानी माइनस तीन प्लस तीन बाई टू कामा वाई वन चार प्लस वाई टू कितना है माइनस चार, तो इस माइनस का गुणा करेंगे प्लस में माइनस ही हो जाएगा बाई टू, ये मिल गया। तीन में से तीन घटाएंगे अर्थात जोड़ना एक ही बात है, माइनस तीन प्लस तीन क्या होगा शून्य बाई दो कामा, यह भी वही काम, क्या मिला, मिल गया जीरो कामा जीरो। अर्थात इन बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा बनेगी उसका मध्य बिंदु क्या होगा, हाँ मूल बिंदु होगा उसका, उसका मध्य बिंदु क्या होगा, मूल बिंदु होगा। क्लियर, तो इस तरह से सवाल जो भी मध्य बिंदु का पूछेगा आप बड़ी आसानी के साथ प्राप्त कर लेंगे। जैसे आपको एक बिंदु ए दे दिया तीन कामा पाँच और दूसरा बिंदु बी दे दिया आठ कामा दस, तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मान लिया मैंने मिला लिया, मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु है जो इसको कितना, चलिए दो और तीन के अनुपात में बांट रहे हैं, किस रेशियो में भाई, दो तीन के अनुपात में, तो इस बिंदु P का निर्देशांक बताना है। एक पॉइंट P है इसी का निर्देशांक, आप देख रहे हैं कि अंतर विभाजन हो रहा है, अंतर विभाजन बता दीजिए आप, अंतर विभाजन क्या सूत्र होता है, यही है M1 M2 और यह है X1 Y1 और यह है यक्स टू यह है वाई टू, तुरंत इसका नंबरिंग करिए और नंबरिंग करने के बाद आपका जो फार्मूला है उसमें रख दीजिए, आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं इसको। क्या सूत्र है, यम वन यक्स टू, यही सूत्र है यम वन यक्स टू प्लस यम टू यक्स वन अपान यम वन प्लस M2 कामा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपान M1 प्लस M2। चलिए बाबू मान रखिए M1 की वैल्यू दो है M2 की वैल्यू तीन है, तो यहाँ दो और X2 का मान आठ, तो दो गुणे आठ प्लस M2 का मान तीन और X1 का मान तीन, तीन गुणे तीन अपान M1 दो धन तीन,
और यहाँ m1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू 10 प्लस m2 की वैल्यू 3 और गुणे y1 की वैल्यू 5 अपान 2 धन 3। आगे बढ़िए, क्या मिला बराबर में 8 दुना के 16 और यह 3 3 के 9, यह 9 सॉरी यह 16 हो गया और यह 9 हो गया, बटा में 3 2 5 हुआ। यहाँ 10 दुना के 20 मिला प्लस 3 5 15 मिल गया, बटा में 5 मिला। क्लियर है ना? चलिए 16 9 कितना मिला, 25/5 कामा 20 और 15 कितना 35 कामा बटे 5। आगे बढ़िए, कितना 25 में 5 को भाग दे देंगे, 5 5 25 मिला कामा, और 35 में 5 का देंगे कितना होगा 7 प्राप्त होगा। तो यह मिला हमें अंतः विभाजन का जो बिंदु है उसका निर्देशांक प्राप्त हो गया। कौन सूत्र लगाया आपने, m1x2 + m2x1 / m1 + m2 वाला। तो इस तरह से अंतः विभाजन या y विभाजन जो विभाजन आपसे पूछा जाए उसका अब इन सूत्रों की सहायता से मान निकालेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, शेष आगे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।